हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस इज योर ब्रदर कुणाल। और सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है 56,000 की हो गई है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आपका भी यूट्यूब चैनल है तो सबसे पहले आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप जल्दी जल्दी हमारी यूट्यूब फैमिली और बढ़ जाएगी। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है KTM की जो ड्यूक 790 ऑफिशियली आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस रखी है 8,63,000 की इसकी एक्सशोरूम प्राइस है। अभी कुछ सेलेक्टिव सिटीज़ में आपको ये बाइक की अवेबिलिटी मिलेगी, लाइक मुंबई पुणे कुछ सेलेक्टिव सिटीज़ हैं। इसके अलावा जब इसकी 20 और सिटीज़ में इसकी जो अवेबिलिटी होगी वो होगी क्लियर 2020 अप्रैल के बाद में ही क्लियर होगी। आज इस बाइक का हम क्विक रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो अभी बाइक के कुछ शॉर्ट्स आप लोग देख लीजिए पहले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। अब हम बाइक के टॉप स्पीड माइलेज के बारे में बात करें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें और लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो वही सिमिलर मिलने वाला है ड्यूक 390 जैसा, वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही फुली डिजिटल रहने वाला है स्मार्ट, और इसके अलावा हेडलाइट वही सेम रहने वाली है। बाकी इसका पूरा लुक और डिज़ाइन सिमिलर है। चेसी की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है पावर कोटेड स्टील फ्रेम इसमें मिलता है। इसके अलावा अब हम बात करें इसका, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई इस बाइक में वो स्पेशली इसका एग्जॉस्ट है। वो थोड़ा सा अगली फील दे रहा, थोड़ा सा अच्छी आपने सुपर बाइक लॉन्च की है तो ड्यूक वाला जो एग्जॉस्ट है वो भी लुक में थोड़ा सा अच्छा है। साइड में एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा है बट थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग चीज़ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मुझे इसमें एग्जॉस्ट देखने में अच्छा नहीं लगा। बाकी लुक सिमिलर ही है ड्यूक 390 का, बस साइज़ थोड़ा बड़ा है। अब हम बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। तो 22 किलोमीटर पर लीटर का बाइक से आपको माइलेज मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। टॉप स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 220 किलोमीटर पर आर की बाइक की टॉप स्पीड है। सो गाइस, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इंजन डिस्प्लेसमेंट और पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें बाइक के इंजन डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 799cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट, 8V DOSC पैरेलल 12 इंजन। कूलिंग सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है आपको विद 6 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ में। क्लच की बात करें तो वही केबल क्लच आपको स्लीपर क्लच मिलेगा इसमें। अब हम बात करते हैं बाइक की पावर के बारे में, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क हमको बाइक से क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर 105 हॉर्स पावर हमको मिलेंगे मैक्सिमम 9000 RPM पर, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 87 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा 8000 RPM पर। अब हम बात करें बाइक के नेक्स्ट फीचर ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में, जिसमें आपको मिलता है MTC3 मोड मिलते हैं। और बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो फ्रंट में आपको मिलते हैं 2x4 पिस्टन कैलिपर 300mm के डिस्क ब्रेक, और रियर की बात करें तो 2 पिस्टन कैलिपर आपको मिलते हैं 240mm के। ABS के बारे में बात करते हैं, इसमें बॉश का 9.1 MP इंक्लूड कॉर्नरिंग ABS मिलता है। इसके साथ में एक और मोड आपको मिलता है, वो है सुपर मोटो मोड। इसके अलावा हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो 43mm के आपको फ्रंट USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर मिलता है। अब हम बात करें इसके बाइक के ओवरऑल वेट के बारे में, तो ड्राइव वेट जो इसका अप्रॉक्स ड्राइव वेट है 169 किलोग्राम्स का है। तो ये थे बाइक के ओवरऑल क्विक रिव्यू। इसमें आपको मैंने जो मेन फीचर स्पेसिफिकेशन है वो इसमें कवर कर दिए हैं, और लुक और डिज़ाइन आपने बाइक का देख ही लिया होगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना।